हेलो सीडीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है 16 अप्रैल को बस आ ही चुका है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की होगी और ये वो टाइम है जब आप हाई प्रायोरिटी पर कुछ टॉपिक्स को सेट करके अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। बस इसी ऑर्डर में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए यहाँ पर सामने आया हूँ, क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पर हम सभी के सामने ये प्रॉब्लम होती है कि कितना पढ़े क्या ना पढ़े। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ के जाए। देखिए, 2 दिन बचे हुए हैं और इन 2 दिनों में अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। तो 2 दिन में ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप इजीली कवर कर सकते हैं, इजीली रिवाइज कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने इन टॉपिक्स को ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ा भी होगा, बस बात रिवाइज करने की है। तो जब हम रिविजन की बात कर रहे हैं तो रिविजन में देखिए, सबसे पहले जीएस में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, जहां से 22 क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि 2 सेक्शंस हैं, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। इस फिजिकल ज्योग्राफी को आप जनरल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आप जो पहला टॉपिक कवर करेंगे जहां से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया के साइज, उसके शेप, उसके लोकेशन की बातें यहां पर हो रखी हैं, आपको उन्हें अच्छे से पढ़ के जाना होगा। सेकंड चैप्टर है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, जिसमें आप माउंटेन पीक्स, ग्लेशियर्स, पासेस, घाट्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, उन सब को पढ़ पाए। थर्ड चैप्टर जहां से हर बार क्वेश्चंस आते ही हैं वो है हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम। बेसिकली आपको यहां पर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ना होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम में जो हिमालयन रिवर्स है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, आप उनको अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ी आपने तो रिवाइज अच्छे से कर ले। उसके साथ ही जो पेनिनसुलर रिवर्स है, वहां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, फिर लूनी, साबरमती, माही, ये जो रिवर्स है इनको अच्छे से पढ़ के जाए। अब इसी ड्रेनेज सिस्टम में एक अलग तरह का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, जिसमें आपसे ड्रेनेज पैटर्न्स पूछे जाते हैं कि जो हमारे यहाँ डिफरेंट रिवर्स के ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो किस पैटर्न में देखने को मिलते हैं। तो कुछ आपको रेक्टेंगुलर दिखेंगे, कुछ आपको डेंड्रेटिक दिखेंगे, कुछ ट्रेलिस दिखेंगे, कुछ आपको सेंट्री पिटल पैटर्न में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये आपको पढ़ के जाना है। ड्रेनेज सिस्टम के अलावा आप प्लीज पढ़ के जाइएगा सॉइल इन इंडिया, ये जो चैप्टर सॉइल इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जैसे कि एल्यूवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, ये 4 तरह की सॉइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो USDA सॉइल टैक्सोनॉमी है उसके बेसिस पे जो इंडियन सॉइल्स का क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 2 बार से CDS में वो क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे इग्नोर ना करें। और एक लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इसमें आप रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ये तो अच्छे से करके ही जाए। बाकी ट्रांसपोर्टेशन में हमारे कुछ रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, सागरमाला, भारतमाला या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। वहीं वाटरवेज में आप देखेंगे कि नेशनल वाटरवेज है 5 to 6, वो आप पढ़ के जाए। और मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, उन मेजर पोर्ट्स के कुछ दो दो तीन तीन फीचर्स हैं वो आप अच्छे से देख के जाएं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी आपका कवर हो जाएगा।
तो ये तो हो गया इंडियन ज्योग्राफी से। जब मैं बात करता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी की, तो फिजिकल ज्योग्राफी में पहला चैप्टर आप पढ़े एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में इसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रक्चर से तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में वो लेयर्स हैं जिन्हें हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर कहते हैं, तो वो लेयर्स अच्छे से पढ़ के जाए। देन वी हैव ओशन करंट्स, ओशन करंट्स और उनका नेचर बहुत जरूरी है भाई लोग। ओशन करंट्स या तो वार्म होंगी या कोल्ड होंगी, तो कौन सी वार्म है कौन सी कोल्ड है ये पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सके। थर्ड टॉपिक हो जाता है आपके पास विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें विंड बेल्ट्स और प्रेशर बेल्ट्स आपको पढ़ के जानी होती है। और साथ ही साथ जब विंड्स पढ़ी रहे हैं तो बहुत इजी और बहुत छोटा टॉपिक है ग्लोबल लोकल विंड्स। वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर कुछ लोकल विंड्स चलती हैं, कुछ वार्म है कुछ कोल्ड है, तो वो आप देख के जाएंगे लोकेशन के साथ। तो एटमोस्फेयर, ओशन करंट्स, विंड्स एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर, ग्लोबल लोकल विंड्स, और एक चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज वाला पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ से अर्थक्वेक से तो पी और एस वेव्स इनके बीच का डिफरेंस आ जाता है मेनली, और वॉल्केनोज से वॉल्केनोज के जो टाइप्स हैं शील्ड, कंपोजिट, कालडेरा, फ्लड बेसाल्ट या मिड ओशन रिज, वो यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान से करके जाए। और साथ ही साथ एक लास्ट टॉपिक मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दो दिन है हम ज्यादा रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, तो ये लास्ट टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी से देख के जाए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें क्रस्ट, मेंटल कोर, ये तीनों लेयर्स तो है ही, इन लेयर्स को डिवाइड करने वाली जो डिसकॉन्टिन्यूटीज है, जैसे मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है, गुटेंसबर्ग है, रेपेटी, कॉनराड, लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी, ये पढ़ के जाए क्योंकि ये फैक्चुअल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे पॉलिटी, तो देखिए पॉलिटी में जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, उसमें पहला टॉपिक आ जाता है मेकिंग एंड एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा टॉपिक है हमारा प्रीएम्बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, प्रीएम्बल में कौन से तीन नए वर्ड्स ऐड हुए हैं विद द इफेक्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट 1976, आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। प्रीएम्बल के बाद बोरोड फीचर्स, बोरोड फीचर्स में 10 कंट्रीज से जो जो एलिमेंट्स हमने बोरो किए अच्छे से देख के जाए, क्योंकि वो मैच करने के लिए आ जाता है। फिर हमारे पास है शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स हैं, कौन से शेड्यूल में क्या एलिमेंट शामिल किया गया है अच्छे से देख के जाए। शेड्यूल्स के बाद ये जो तीन टॉपिक्स हैं ये तो किसी भी हालत में पॉलिटी में ना छोड़े ना, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज। और जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे तो आर्टिकल 32 में टाइप्स ऑफ राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शररी, प्रोहिबिशन एंड कोवारंट, बिल्कुल ना छोड़े। और बाकी देखिए ये टॉपिक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, बस बात रिविजन की है। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि यार इतने सारे टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं, बस बात रिवीजन की है। और जब अगर पहले तैयारी अच्छे से की है तो रिवीजन तुरंत होगा। अब देखिए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट स्टेट में है हमारे गवर्नर, ये अच्छे से पढ़ के जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कंपोजिशन देख के जाए। फिर एक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमरजेंसी, एमरजेंसी में आप नेशनल और स्टेट एमरजेंसी अच्छे से पढ़ें। उसके साथ ही हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फिर हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, इनको आप अच्छे से पढ़ें। वही अगर बात करें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तो आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा सीबीआई पढ़ के चले जाए, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर न्यूज में काफी रही है तो शायद पूछ लिया जाए। और लास्ट में मैं कहूंगा कि आप पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ लें और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, 105 अमेंडमेंट्स हो रखे हैं, 105 के 105 नहीं पढ़ लें, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ऑलरेडी मालूम है, आपने पढ़े होंगे, बस रिवाइज करने की देर है। और ये हमारा हो जाता है इस तरह से पॉलिटी का
सिलेबस जो आपको 2 दिनों में कवर करना है, 4-5 घंटे बैठ जाएंगे, पॉलिटी पूरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ रिवीजन की बात है। उसके बाद रही बात हिस्ट्री की, देखिए हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है और कई लोगों को हिस्ट्री जो है काफी बोरिंग भी लगती है, पर यह है कि सीडीएस की जब बात करते हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बनते हैं ज्योग्राफी की तरह, तो इतने बड़े सेक्शन को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी सही करके, रिवीजन पे ही स्ट्रैटेजी ठीक करके कुछ बढ़िया स्कोर किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री हमारे पास है, यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री हमारे पास है, और उसके बाद हमारे पास है मॉडर्न हिस्ट्री। अब पिछली बार तो सीडीएस का अगर आपने पेपर दिया है, एग्जाम दिया है या पेपर देखा है, तो आपको पता चला होगा कि एंशियंट हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री से तो 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। तो एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फिर मौर्य एम्पायर में स्पेसिफिकली फोकस करना है अशोक पर और उसके एडिक्ट्स पर, रॉक एडिक्ट्स पर, क्योंकि वहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और गुप्ता एम्पायर में तो आप गुप्ता रूलर्स के बारे में और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, आर्ट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये थोड़ा देखकर जाए। मिडिवल हिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा विजयनगर एम्पायर पढ़ के जाए। विजयनगर एम्पायर में अमर नायक सिस्टम है, जैसे दिल्ली सल्तनत में आप देखते हैं इल्तुतमिश के टाइम पे एकता सिस्टम था, सिमिलर सिस्टम है, एकता सिस्टम सिमिलर सिस्टम है विजयनगर एम्पायर का, अमर नायक सिस्टम, वो थोड़ा सा देख लें। और विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय और उसके जो फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ोगे, क्योंकि विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय के बिना अधूरा है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको फोकस करना है 1885 से 1947 के इस टाइम पीरियड पर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और इस बीच गांधीयन एरा जब आएगा 1915 से 1947 तक, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टाइम बचे रिवीजन का, मैं नहीं कहूंगा कि आप ये सब कुछ पढ़ के जाए, हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ये थोड़ा आप देखें, इंपॉर्टेंट लीडर्स, इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स जिन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया, वो थोड़ा सा देखें। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, यानी जो डिफरेंट एक्ट्स हैं, अपने काउंसिल एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, वहां से एक आधा कोई क्वेश्चन फंस जाता है, तो टाइम मिले तो उसको जरूर देख के जाइएगा, एक्ट्स को देख के जरूर जाइएगा। अब लास्ट में रही बात इकोनॉमिक्स की, तो देखिए इकोनॉमिक्स ज्यादातर लोगों का बैकग्राउंड नहीं होता, जिसका बैकग्राउंड है वो तो अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा, पर जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसको दिक्कत आती है, और करीबन 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, तो इग्नोर तो इसको भी नहीं किया जा सकता। और इकोनॉमिक्स में आप ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ सकते हैं कि एक चैप्टर है हमारे पास जैसे डिमांड, तो डिमांड वाले चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड वगैरह ये पढ़ के जाए, डिमांड के बाद है सप्लाई, ये पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने, बस रिवाइज करके जाइएगा, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, 5-6 क्वेश्चन तो इन्हीं 3 चैप्टर से आ जाएंगे। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग, और एक यहाँ पे जो अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे जो आया है इस साल का और बजट आया है, ये आप अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो देखिए आप सभी करंट अफेयर्स तो कहीं ना कहीं से फॉलो कर ही रहे होंगे, और जितना आपने फॉलो किया उसको बस अच्छे से तरीके से रिवाइज करें, कहीं कोई कसर ना रह जाए, 2 दिन है, अच्छे से मेहनत करो, और 2 दिन के बाद तो एग्जाम ही है, एग्जाम के बाद रेस्ट कर लेना आराम से, पर ये 2 दिन आपके लिए बहुत डिसाइडिंग हो सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरह का होने वाला है। तो 2 दिन बहुत अच्छे से रिवाइज करें, लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम ही है। बाकी आप सभी को मैं अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, आप अच्छा परफॉर्म करें, आपका रिजल्ट अच्छा हो, और 16 अप्रैल को जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो हम सभी फैकल्टी मेंबर्स, द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी के फैकल्टी मेंबर्स, हम मेहनत कर रहे होंगे आपके उन क्वेश्चंस के जवाब देने के जो आप वहां पर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो 16 अप्रैल को 11 बजे के बाद सुबह
हम सभी फैकल्टी मेंबर्स लाइव आएंगे उन क्वेश्चंस के लाइव जवाब देने के लिए। तो आप सभी हमसे जुड़े रहें, 16 अप्रैल को मिलेंगे हम सभी, और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और हमारा जो फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो करें ताकि आपको तुरंत से तुरंत अपडेट्स मिलती रहें, आपके जो हेल्प कर सके एग्जाम में। तो बस यहीं पर ये वीडियो मैं खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।